फलों के राजा आम का स्वाद हर किसी को लुभाता है। आमतौर पर गर्मियों में पैदा होने वाले आम के स्वाद से दूसरे मौसम में लोगों को महरूम रहना पड़ता है, लेकिन अब आम का स्वाद चखने के लिए गर्मियों का इंतजार करना गुजरे जमाने की बात साबित हो सकती है। दरअसल राजस्थान में कोटा के किसान श्री किशन सुमन ने सदाबहार आम की एक नई किस्म इजाद की है जो साल भर तक फल देती है। इसे आम की बोनी किस्म भी कहा जाता है। यह अधिकांश प्रमुख बीमारियों के लिए प्रतिरोधी है। बोनी किस्म होने के कारण ये किचन गार्डनिंग और उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण के लिए भी उपयुक्त है। कुछ सालों के लिए इसे बर्तन में भी उगाया जा सकता है। इस आम का गूदा गहरा नारंगी और स्वाद में मीठा होता है। इसके गूदे में बहुत कम फाइबर सामग्री होती है जो इसे अन्य किस्मों से अलग बनाती है। इस आम में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा स्वास्थ्य के लिए काफी उपयोगी है। आपको बता दें कि श्री किशन सुमन पहले फूलों की खेती किया करते थे। उनकी बागवानी में बेहद रुचि थी, जबकि उनका परिवार गेहूं और धान की खेती करता था। बाद में उन्होंने अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए फूलों को उगाना शुरू किया। वह गुलाब की विभिन्न किस्मों को बाजार में बेचते रहे और इसी दौरान उन्होंने आम को भी उगाना शुरू कर दिया। साल 2000 में उन्होंने अपने बगीचों में आम के एक पेड़ की पहचान की जो साल भर खिला रहता था। इसके बाद उन्होंने आम के 5 पेड़ों को प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया। इस किस्म को विकसित करने और ग्राफ्ट तैयार करने में उन्हें लगभग 15 साल लग गए। उन्होंने देखा कि ग्राफ्टेड पौधों ने ग्राफ्टिंग के दूसरे साल में ही फल देना शुरू कर दिया। श्री किशन सुमन को साल 2017 से और 2020 तक देश भर से और अन्य कई देशों से भी सदाबहार आम के पौधों के 8000 से ज्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं। वह साल 2018 से 2020 तक आंध्र प्रदेश, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और चंडीगढ़ को 6000 से ज्यादा पौधों की आपूर्ति कर चुके हैं। और खास बात यह है कि राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में भी इनकी सदाबहार आम की किस्म लगी हुई है। इसी के साथ 500 से ज्यादा पौधे राजस्थान और मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान संस्थानों में वे खुद लगा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को भी 400 से ज्यादा कल में भेज चुके हैं। आपको बता दें कि इस नई किस्म को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी मान्यता दे दी है। NIF ने ICAR राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर को भी इस किस्म के मूल्यांकन करने की सुविधा दी है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर के SKN एग्रीकल्चर्स यूनिवर्सिटी ने इसकी फील्ड टेस्टिंग भी की है। अब इस किस्म को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली के तहत पंजीकरण कराने की प्रक्रिया चल रही है। इस सदाबहार किस्म के आम का विकास करने के लिए श्री कृष्ण सुमन को NIF का 9वां राष्ट्रीय तृणमूल नव प्रवर्तन और विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार दिया गया है और अन्य कई मंचों पर भी इन्हें मान्यता दी गई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।